Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexter Zone. और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका जो कल पेपर होने वाला है CA Foundation का मैथ का पेपर, उसके अंदर आपको पता है जो LR है, that is logical reasoning, उसके अंदर पांच टॉपिक आपके दिए हुए हैं. LR के अंदर पांच टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से पहला जो टॉपिक है आपका नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड आउट ओड मैन आउट सीरीज वगैरह, वो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जो एक घंटे की वीडियो है. आप चाहें उसको रिवीजन करना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि LR बहुत ही ईजी है और 20% यानी कि 20 मार्क्स का आता है मैथ के पेपर में, जो कि बहुत ही ईजी है. ठीक है, नॉन मैथ स्टूडेंट भी इसको आराम से कर सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं जो वीडियो का अपलोड किया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है, तो आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं. आपको अगर लग रहा है कि आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए अपनी रिवीजन की, तो आप थोड़ा स्पीड तेज कर सकते हैं. कैसे स्पीड तेज करते हैं, सेटिंग में जाकर के आपको नॉर्मल स्पीड पे, जनरली यूट्यूब की वीडियो चलती हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं. 1.5 कर देंगे तो डेढ़ गुना बढ़ जाएगी, अगर आप 2 कर देंगे तो दुगनी स्पीड हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से रिवीजन आप जल्दी खत्म कर सकते हैं. एनीवे, तो ये जो है हमारी नंबर सीरीज वाली एक पॉइंट है, एक एक्सरसाइज है LR के अंदर. दूसरी एक्सरसाइज जो है हमारी, दैट इज बेसिकली डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है. और तीसरी जो है इसके अंदर, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट. ये जो पूरा पोर्शन है, तीन पोर्शन, ये आपके 12 से लेकर के 14 मार्क्स तक के आते हैं, यानी कि 12-14 मार्क्स के आते हैं. एंड देर आर टू अनदर टॉपिक विच इज रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन एंड अनदर टॉपिक इज सिलोजिज्म. ठीक है, ये जो टॉपिक आते हैं आपके 6 से लेकर के 8 मार्क्स के आएंगे. तो इस वीडियो के अंदर गाइस, ये मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्शन टेस्ट एक तो और ब्लड रिलेशन, ये दोनों टॉपिक आपको बता जा रहा हूं. इस तरीके से आपके 3 LR के टॉपिक मैं ऑलरेडी ही मतलब एक पहले ही अपलोड कर चुका हूं, 2 ये हो जाएंगे, तो 3 LR के टॉपिक जो आपके कवर हो जाएंगे. सिटिंग अरेंजमेंट पे भी मैं देखता हूं, हो सकता है वीडियो बना दूं तो इस तरीके से आपका सिलोजिज्म रह जाएगा, और बाकी जो है 20 मार्क्स का कवर अप हो जाएगा. ठीक है, सो चलो बिना वेस्ट किए टाइम मैं शुरू करता हूं आपको कि, और ये जो मैं कराऊंगा आपको गाइज, ये कराऊंगा आपके स्टडी मैट से. सो इसमें मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, इसमें मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो बताऊंगा. ठीक है, चलो आ जाते हैं. मैंने आपके स्टडी मैट से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये आपका ध्यान रखो डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है. तो डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड है, तो मैं कुछ बेसिक्स आपको डायरेक्शन टेस्ट के पहले बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए. चलो, सो गाइस, डायरेक्शन हमें पता है, अगर हम इस तरीके से कुछ लाइंस खींचें तो ये हमारा ईस्ट होता है, दैट इज पूरब हिंदी में बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है. ठीक है, पश्चिम, और ये नॉर्थ होता है हमारा, दैट इज बेसिकली उत्तर, और जो हमारा ये क्या होता है, साउथ, दैट इज दक्षिण. और इसके बीच में अगर हम लाइनें यहां पर खींचते हैं, सो ये बेसिकली क्या होती है, कार्डिनल लाइन होती है, जो कि नॉर्थ ईस्ट, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट, और ये हमारा ईस्ट साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, और ये जो होगा हमारा, ये होगा साउथ वेस्ट. सो ये आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शंस की, कैसे कैसे होती हैं, बहुत ही इजी है, फ्री के मार्क्स हैं ये 20. ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन टेस्ट से. मैंने कुछ क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके स्टडी मैट के लिए हुए हैं, ये स्टडी मैट का स्क्रीनशॉट है, चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं. क्या देखो गाइस, कह रहा मोहन है एक बंदा, मोहन क्या करता है, स्टार्ट करता है ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट कर दिया. मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया, और पता कहां कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर वो साउथ की तरफ चलता है. चलो, साउथ हमारा नीचे की साइड था, ठीक है, हमने जो अभी ये बनाया था, ध्यान दो ये साउथ नीचे की साइड है, तो वो नीचे यहां से चला, नीचे की साइड चला. ठीक है, चलो अब क्या, कितना बोला, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलता है वो. ठीक है, 1 किलोमीटर वो चला. अब देखो क्या कह रहा है वो, टर्न लेफ्ट, जब वो चल रहा है तो उसका फेस इधर की साइड होगा, इधर की साइड, यानी कि उसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा. अब क्या कर रहा है उसने, वो लेफ्ट टर्न करता है, जब लेफ्ट टर्न करता है वो, तो इधर की साइड मुड़ेगा, वो मुड़ेगा कि नहीं, और फिर वो 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि इतना इधर जाएगा, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, जब फिर से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो फिर से वो इधर मुड़ेगा. ठीक है, अब वो कह रहा है कि नाउ ही इज फेसिंग, किधर की साइड फेस कर रहा है भाई, वो यहां से चला था साउथ की साइड, इधर चला गया ईस्ट की साइड, इधर चला गया तो नॉर्थ की साइड आ गया कि नहीं आ गया, ये वाली सिचुएशन बन गई कि नहीं बन गई भाई, यहां से चला है वो और यहां गया वो और फिर यहां गया, तो नॉर्थ की साइड फेस कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं नॉर्थ, तो ये हमारा आंसर हो गया गाइस, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया नॉर्थ साइड, ये आंसर हो गया. चलो अगला सवाल करते हैं. सुरेश एक बंदा जो स्टार्ट करता है फ्रॉम ए पॉइंट, 2 किलोमीटर जो है वो जाता है, 2 किलोमीटर कहां जाता है, वो साउथ की तरफ जाता है. जब वो 2 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएगा तो ध्यान दो, वो यहां से चलना शुरू करा, ठीक है, यहां से चलना शुरू करा साउथ की साइड, इधर की साइड चलना शुरू करा, उसके बाद वो क्या करता है, राइट टर्न करता है, राइट टर्न करेगा तो इधर की साइड होगा उसका राइट, जब इधर फेस होगा तो
तो इधर क्या करेगा, वो टर्न कर जाएगा, उधर टर्न करने के बाद वो 1.5 किलोमीटर यहाँ चलता है, ठीक है, यहाँ 2 किलोमीटर चला था वो, और यहाँ 1.5 किलोमीटर चलता है आगे, फिर यानी 1.5 माइल्स चलता है, सॉरी 1.5 माइल्स, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करता है, अब की बार वो लेफ्ट टर्न करता है, और लेफ्ट टर्न यानी कि यहाँ कितना चला 2 किलोमीटर, और यहाँ कितना चला 1.5 किलोमीटर और 1.5 माइल्स, और फिर उसके बाद वो यहाँ पर 0.5 किलोमीटर चलता है लेफ्ट की साइड, ठीक है, हाफ, देखो ये चला 2 माइल्स, फिर हाफ माइल जो चला वो लेफ्ट साइड चला, और फिर हाफ माइल्स जो है वो लेफ्ट साइड फिर से टर्न करा, यानी कि यहाँ पे हाफ माइल्स आया, उसके बाद देन ही टर्न बैक, उसके बाद वो बैक टर्न कर जाता है, यानी कि इधर की साइड ही फेस कर लेता है, इधर फेस था ना, इधर की साइड फेस कर लेता है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग, बताओ कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है यहाँ पर, अभी कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा, अगेन वो करेगा नॉर्थ वाली फेस, नॉर्थ वाली फेस करेगा, भाई जब मुड़ जाएगा तो इधर की साइड फेस होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक्स वॉक्स बेसिकली 4 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, तो मैं अगले पेज पे ले रहा हूं, यहाँ पे एक बंदा है नॉर्थ की साइड जो है चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, चलो कितने किलोमीटर, 4 माइल्स है यहाँ पे, 4 माइल्स है, यानी कि 4 माइल चलता है, चलो उसके बाद, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करता है एंड वॉक 6 माइल, सो लेफ्ट टर्न करता है, यहाँ पर है तो लेफ्ट टर्न इधर होगा उसका या इधर होगा, इधर होगा ऑफ कोर्स, इधर होगा, तो वो लेफ्ट टर्न करा, ठीक है, लेफ्ट टर्न करा और कितना चला वो चला गाइस 6 माइल चला, ठीक है 6 माइल हो गया, चलो थोड़ा सा इसे बड़े बना देते हैं क्योंकि 4 माइल है या 6 माइल है, आगे फिर देखते हैं हम, यहाँ पे कह रहा है वो उसके बाद क्या करता है, वो टर्न्स राइट, राइट टर्न करता है, यानी कि यहाँ से वो इधर की साइड टर्न करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, वॉक अप टू 3 माइल, 3 माइल चलेगा वो, ठीक है 3 माइल चलेगा, चलो 3 माइल चला, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद वो कह रहा है कि अगेन टर्न्स राइट, तो गाइज ये हम देख रहे थे कि एक मैन जो है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है, दोबारा रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को हम, देखो कह रहा है एक मैन स्टार्ट करता है वो फ्रॉम ए पॉइंट, वॉक 4 माइल्स टुवर्ड द नॉर्थ, एक बार यहाँ देखते हैं, ये ठीक तो है, जस्ट ए मिनट गाइज, यस टुवर्ड नॉर्थ की साइड, तो ये नॉर्थ की साइड गया था, ठीक है यहाँ गया 4 माइल, 4 माइल गया, शिट 4 माइल, उसके बाद वो क्या किया, लेफ्ट टर्न किया और 6 माइल गया, लेफ्ट टर्न किया 6 माइल गया, चलो 6 माइल चला गया ये, ठीक है ज्यादा ही होगा 4 से 6, तो उसके बाद फिर वो कह रहा है कि उसने ना राइट टर्न लिया, इसका मतलब वो इधर की साइड मुड़ा और 3 माइल चला, 3 माइल्स, 3 माइल्स बोल रहा है ना वहां पे, हाँ 3 माइल चला, अगेन उसने राइट टर्न लिया और 4 माइल चला, चलो अगेन ये 4 माइल तक चला, यहाँ पे चला, ठीक है 6 माइल थे तो 4 यहाँ पे आएंगे, उसके बाद गाइस उसने क्या करा, आराम किया आधा घंटा और फिर वो 2 माइल चला, यानी कि वो यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में आ गया, उसके बाद उसने कहा कि टर्न राइट एंड 1 माइल, अब वो राइट चल गए, यहाँ 1 माइल आ गया, ठीक है 3 माइल तक का तो यही था, अब वो कह रहा है कि किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, तो बताओ भाई किस डायरेक्शन में, सो सिंपल, इधर की डायरेक्शन तो साउथ ही है, तो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो साउथ डायरेक्शन यानी बी हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल, अरुण ने स्टार्ट किया है फ्रॉम ए पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अरुण है, सो मैं एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ताकि हमारे पास सीट, गाइस ये मुझे बार बार देखना पड़ रहा ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो थोड़ा एडजस्ट करना, चलो हाँ। सो अरुण ने स्टार्ट किया फ्रॉम ए पॉइंट ए एंड वॉक 10 किलोमीटर टू ईस्ट, चलो जी अरुण एक बंदा है, इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ये ईस्ट की साइड जाना चाहता है, ईस्ट की साइड इधर, ठीक है, और कितने जा रहा है ये 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर, और ये बी पॉइंट तक पहुंचा, ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है देन टर्न टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है और 3 किलोमीटर जाता है पॉइंट सी पर, तो ये यहाँ पे जाता है पॉइंट सी तक और ये 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है क्या होता है, देन ही टर्न टू वेस्ट, वेस्ट की तरफ टर्न कर जाता है और 12 किलोमीटर जाता है, यानी कि 12 किलोमीटर जाता है वेस्ट की साइड, इधर की साइड जाता है 12 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे, ठीक है 12 किलोमीटर, चलो आगे फिर वो कह रहा है कि देन अगेन टर्न टू साउथ एंड वॉक 3 किलोमीटर, कोई बात नहीं, तो ये फिर जो है साउथ की तरफ जाता है और 3 किलोमीटर तो यहीं तक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, उसके बाद वो कह रहा है कि ये ई पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये कहाँ पहुंच जाता है, ई पॉइंट पे, कि सी ए बी सी और ये डी पॉइंट था यहाँ पे, है ना, अब देखो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका, कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्ट्रेट पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट तो ये था ना गाइस जिसका, और ये यहां से लेकर के यहाँ क्या है, यहाँ तो वेस्ट ही है, आप देखो पहला वाला डायग्राम, अगर यहां से लेके
वेस्ट ये यहाँ खड़ा है, वो यहाँ से ओरिजिनल पॉइंट था उसका यहाँ पे, तो क्या हो गया वेस्ट, तो वेस्ट हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी सी हमारा आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन जो मैं समझाना चाहता हूँ ये है, ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड 5 किलोमीटर चलता है, ये यहाँ से ही मान लेते हैं, यहाँ से ये क्या करता है 5 किलोमीटर किधर चलता है, नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की साइड गया 5 किलोमीटर, उसके बाद वो कह रहा है कि लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न करता मतलब इधर की तरफ टर्न करता है और 3 किलोमीटर जाता है, चलो 3 किलोमीटर हो गया ये सही है। उसके बाद वो अगेन लेफ्ट टर्न करता है यानी कि वो इधर कर जाता है और फिर वो 5 किलोमीटर जाता है, यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग, सो सिंपल, अरे वो कहाँ जा रहा है भाई, साउथ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, साउथ हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन, डायरेक्शन जो हमारा टेस्ट है वो बहुत ही ईजी है, वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको करा दिया कि कैसे आपको इसे अप्रोच करना है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो अगला मैंने टॉपिक लिया है ये है आपका गाइस, ये जो टॉपिक है आपका ये है ब्लड रिलेशन से संबंधित, और ब्लड रिलेशन में क्या है ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हूँ, एक न्यू अप्रोच आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इजी है और मार्क्स स्कोरिंग है। चलो देखो पहले इसके कुछ बेसिक्स देख लो गाइस, यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं बेसिक्स, जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करें तो उसमें कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है आपको। ब्लड रिलेशन क्या बेसिक बातें हैं, जब भी आप मेल के बारे में बात करोगे तो ये बॉक्स बनाओगे, ठीक है, स्क्वायर टाइप। जब भी आप फीमेल के बारे में बात करोगे तो आप ये सर्कल बनाओगे, ठीक है, और इनके ना लेयर्स हैं जनरेशन टाइप, लेट से प्रेजेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये मेल होगा ये फीमेल, दैट मींस ये स्पाउस होंगे, ये हस्बैंड ये वाइफ। अगर इनके बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, अगर मेल इसका बच्चा है तो वो क्या होगा, आप स्क्वायर बनाओगे, और अगर फीमेल है तो ये, यानी डॉटर है तो ये और सन है तो ये, इनके अगेन फिर बच्चे होंगे तो वो, अगर इनका मेल है तो फिर ऐसे और फीमेल है तो ऐसे। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं। और ये क्या हो गया, ये जो आ गया ये इसके बेटा बेटी हो गए, अगेन ये इनका बेटा बेटी हो गए, तो इस तरीके से इनका रिलेशन इनके साथ क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर वाला हो जाएगा, तो ये रिलेशन आपको बेसिकली पता होंगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप जा करके गाइस 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 यहाँ पर देख सकते हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से जो ब्लड रिलेशन वाला है कि क्या टॉपिक है, फटाफट से देखो ये रहा, ये आप एक बार गो थ्रू कर लेना कि फादर के फादर को ग्रैंड फादर बोलते हैं, फादर की मदर को ग्रैंड मदर बोलते हैं, ये सारा कुछ आप रिलेशंस गो थ्रू कर लेना, और ये काफी रिलेशन इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, ये आप आराम से देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। तो मैं जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उनको सोल्व करना बताता हूँ आपको, उसी ट्रिक पर आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको अभी कॉन्सेप्ट समझना, उसको अप्लाई करना सीखना, सो दैट यू कैन सोल्व द क्वेश्चन इन एग्जाम होल, ठीक है। चलो फटाफट चलते हैं, सो ये मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं गाइस, अब फटाफट देखो यहाँ पे क्या है। पहला कह रहा है ए इज बीज ब्रदर, तो यहाँ पे आ जाओ, ए इज बीज ब्रदर बोला उसने, ए इज बीज ब्रदर यानी कि ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, तो ये तो पता चल गया कि ए भाई है बी का, लेकिन ये पता नहीं चला बी कौन है, बी फीमेल है या मेल है, ये नहीं पता चला। आगे फिर कह रहा है सी इज एज मदर, सी क्या है, ए की मदर है, यानी ए की मदर ऊपर जाएगी, यानी कि ऊपर जाने का मतलब इससे बड़ी होगी, सो ये सी क्या है, इसकी मदर है, ठीक है, चलो सी हो गई यहाँ पे, फीमेल ऑफ कोर्स। आगे फिर वो कह रहा है डी सी फादर, अब डी जो है क्या है वो मेल है, तो डी क्या है, सी का फादर है, ये इससे ऊपर जाएगा यानी कि बड़ा है ये इससे, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि सी फादर ई इज बी सन, ई जो है बी का सन है, अब बी का हमें पता ही नहीं कौन है वो, तो ई जो है इसका सन है, यानी कि ई तो पता है ना हमें, ई कौन है, इसका सन हो गया, ठीक है। अब आगे जाते हैं फिर से, वो कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड, अब ध्यान देना यहाँ पे, इसने बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें, नोट करना है इस बात को, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो कौन है, तो डी के पॉइंट, डी तो ये है ना, तो डी किसका, ए का क्या लगता है, डी ए का क्या लगता है, ये देखना पड़ेगा हमें, डी ए का क्या लगता है, सो ऑफकोर्स डी ए का क्या लगेगा बताओ, वैसे ही एक जनरेशन का गैप हो गया, तो ग्रैंड फादर हो गया, ये क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, ये क्या हो गया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है। कितना आसान बन गया ना सॉल्यूशन एक, अब सॉल्यूशन दो देखते हैं हम फटाफट से। सॉल्यूशन दो में देखो कह रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है वो क्या है, बी का भाई है, चलो तो बी बना देते, बी हमें पता नहीं मेल है फीमेल, अगेन ऊपर वाला ही क्वेश्चन है एक तरीके से। फिर आगे कह रहा है सी इज एज फादर, सी क्या है, अब की बार सी जो है ए का फादर है, पहले माता थी देखो वो उसकी मदर थी, अभी क्या है फादर हो गया ये, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन्होंने। उसके बाद वो बोला है डी इज सी सिस्टर, डी क्या है, सी की सिस्टर है, सिस्टर है मतलब इक्वल लेवल पे है, जनरेशन गैप नहीं है, इक्वल है, तो डी क्या है, उसने बोला है सी की क्या है, सिस्टर है,
डी इज सी सिस्टर, सी की सिस्टर है तो सिस्टर फीमेल हो गई, ठीक है फीमेल हो गई है। उसके बाद ध्यान रखो बोल रहा है कि ई इज डीज मदर, ई डी की मदर, डी की मदर जनरेशन बढ़ जाएगी ऊपर, सो ई हो गई है, ये मदर हो गई, ठीक है ये दोनों फीमेल हो गए। अब ध्यान दो वो कह रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, अब ध्यान दो हाउ इज बी रिलेटेड, यानी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमें, हाउ इज बी बी रिलेटेड टू, बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड टू ई यहाँ पे। अब हमें देखना है कि बी कैसे रिलेटेड है, अब हमें ये तो पता नहीं कि भाई ये मेल है कि फीमेल है, ये तो फीमेल है, तो देखो क्या क्या ऑप्शन है भाई इसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो ये ग्रैंडसन भी हो सकता था, अगर ये मेल होता तो ग्रैंडसन होता। अब देखो ऑप्शन में ग्रैंडसन दिया हुआ क्या, कहीं ग्रैंडसन कहीं भी नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या बचा भाई ग्रैंड डॉटर। वैसे अगर देखें इसकी जो होगी तो डॉटर ही होनी चाहिए थी इसकी, इसके रेफरेंस में डॉटर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके रेफरेंस में तो ग्रैंड डॉटर हो गई है, और कुछ दिया हुआ नहीं है तो ग्रैंड डॉटर यहाँ पर ये हो गई है, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया ग्रैंड डॉटर, दैट इज डी बेसिकली, सही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ध्यान दो इस पे, यहाँ पे पूछा था इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या लगता है इसका, और यहाँ पे पूछा है ये, यानी कि ये क्या लगता है ए का, और यहाँ पे पूछा है ये इसकी क्या लगती है, यानी कि किसके एंगल से पूछा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा है डी रिलेटेड टू ए, और यहाँ पूछा है बी रिलेटेड टू ई। एनीवे अगला क्वेश्चन करते हैं हम, कह रहा है ए इज बी सिस्टर, ए जो है बी की सिस्टर है, चलो ए बी की सिस्टर है, यानी ए फीमेल है, बी का फिर से हमें कुछ नहीं पता कौन है वो, ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है कि डी इज सी फादर, डी जो है वो सी का फादर है। अब ये पता नहीं कि इसको अलग से बना लेते हैं, लेट्स से डी जो है सी का फादर है, तो डी यहां बना लेते हैं हम, ये फीमेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ठीक है चलो, क्योंकि इनका आगे रिलेशन बताएगा। कह रहा है कि ई इज डी इज मदर, ई जो है डी की मदर है। अब देखो ई जो है तीसरा क्वेश्चन है ना, हाँ ई इज डी इज मदर, थोड़ा मुझे इसे नीचे बनाना पड़ेगा, यानी कि ए बी सी डी, हाँ अब उसने बोला ई जो है ना, सॉरी ये मेल था, ई जो है डी की मदर है, तो ये मदर बन गई, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, बताओ भाई कैसे ए रिलेटेड हो सकता है डी से, तो ऑफकोर्स ए तो फीमेल है और ये मेल है, तो ग्रैंड डॉटर हो गई, क्या हो गई ग्रैंड डॉटर, ठीक है ऑप्शन में देख लो ग्रैंड डॉटर होना चाहिए, ग्रैंड डॉटर डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, चलो यहाँ पे बना लेते हैं, एक बंदा है ये फादर है, किसका फादर हो गया किसका, बी का, बी का हमें नहीं पता कौन है बी, मेल है फीमेल है मतलब। आगे फिर वो कह रहा है कि सी इज डॉटर ऑफ बी, सी जो है बी की डॉटर है, तो ये हमें पता चल गया कि सी जो है फीमेल है, इसका पता चल गया। उसके बाद उसने बोला है डी इज ब्रदर ऑफ बी, अब देखो डी इसका ब्रदर है, ये बात क्लियर है, यानी कि डी का तो क्लियर पता चल गया कि डी का जेंडर जो है मेल है ना। उसके बाद वो बोल रहा है कि ई इज सन ऑफ ए, ई ए का सन है, तो ये नीचे जनरेशन पे तो ई भी कहीं ना कहीं यही होगा, और उसने बोला सन है ई सन ऑफ, तो ये भी क्या हो गया, ये भी मेल हो गया, ठीक है इसके यहाँ पर ही आएगा ना, यहाँ पे कनेक्ट होगा ये, हमें पता नहीं चला बी क्या है, कोई बात नहीं। अब उसने बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई की रिलेशनशिप हमें पता नहीं, तो ये तो सेम लेवल पे है भाई, जो सेम लेवल पे है, तो सी और ई की अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके भाई या जो बहन है उसकी बहुत मतलब मेल ही हो जाएगा ये, तो बेसिकली क्या हो जाएगा नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल जो हो जाएगा, यानी चाचा भतीजी का रिलेशनशिप, भतीजी का, चाचा भतीजी, ठीक है ये हो गया। अगला देखो लास्ट क्वेश्चन देखो आप, पी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का हस्बैंड है, तो ये सामने सामने हो जाएगा पी मेल क्यू फीमेल। उसने बोला है एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, क्यू की मदर क्या हो जाएगी आर, तो ये तो फीमेल हो गई, और यहाँ पे एस भी आ गया क्योंकि दोनों की मदर है, एस का हमें पता नहीं कौन है। अभी कह रहा है व्हाट इज आर टू पी, आर पी से कैसे रिलेटेड है, भाई सीधी सी बात है मदर इन लॉ होगी क्योंकि ये मेल है, सासू जी जिसको बोलते हैं है ना, मदर इन लॉ। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हो गए गाइस, तो आपको ये समझना है कि आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड
कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन देयर ऑफ, तो कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उनको कैसे अप्लाई करना है वो समझ जाओ, और ये फ्री के मार्क्स है गाइस एलआर वाले। और मैं पहले ही आपको जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके डाल चुका हूँ, एक घंटे की है वो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। कैसे आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करना है उसके 5 क्वेश्चन बता चुका हूँ, बेसिक्स बता चुका हूँ, डायरेक्शन टेस्ट बता चुका हूँ, उसके बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बता चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।